हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। ये वीडियो यूके डीएलएड एंट्रेंस वालों के लिए हैं। जीके जीएस कैश कोर्स जो हमारा चल रहा था उसमें हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है ये 5। तो ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद अब हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए परमार वंश, ऑप्शन बी चौहान वंश, ऑप्शन सी चंदेल वंश, ऑप्शन डी सिसोदिया वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिसोदिया वंश। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जगी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद खां, ऑप्शन बी मीर सैयद अली, ऑप्शन सी अब्दुस्समद, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1585 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1650 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1701 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन ए दागा शिकोह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट देखिए, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शेरशाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शेरशाह। नेक्स्ट देखिए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी काबुल में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं। नेक्स्ट देखिए, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए सिकरी में, ऑप्शन बी बीजापुर में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी औरंगाबाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखिए, युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कलिंगर का युद्ध, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी बिलगाम का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिलगाम का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? ऑप्शन ए अहिल्याबाई, ऑप्शन बी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रानी दुर्गावती। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर को मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, तो किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने? इसका ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन बी अमरकोट, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आगरा। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी पुरवंदर, ऑप्शन सी तोगण, ऑप्शन डी चित्तौड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरवंदर। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी नूरजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी विशन दास, ऑप्शन डी दसवंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दसवंत।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी जहां आरा बेगम, ऑप्शन सी नूरजहां बेगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए मंसूर, ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन सी बसावन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंसूर। नेक्स्ट देखिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, गुलबदन बेगम पुत्री थी? ऑप्शन ए हुमायूं की, ऑप्शन बी बाबर की, ऑप्शन सी औरंगजेब की, ऑप्शन डी शाहजहां की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर की। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने लिया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1931 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1928 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1921 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1921 में। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी सूबा, ऑप्शन डी दस्तूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकार। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी ग्वालियर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्वालियर में। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी जोधाबाई का महल, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचमहल। नेक्स्ट देखिए, मुमताज महल का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए अंजुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी लाडली बेगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंजुमन बानो बेगम। नेक्स्ट देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया? ऑप्शन ए पारसियों से, ऑप्शन बी तुर्कों से, ऑप्शन सी मंगोलों से, ऑप्शन डी यहूदियों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पारसियों से। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद खां, ऑप्शन बी बहार खां, ऑप्शन सी हुसैन खां, ऑप्शन डी हसन खां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फरीद खां। नेक्स्ट देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए बिलगाम का युद्ध, ऑप्शन बी कालिंगर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिलगाम का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और जयचंद, ऑप्शन डी औरंगजेब और दागा सिको, ऑप्शन सी बाबर और अफगान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब और दागा सिको। नेक्स्ट देखिए, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट देखिए, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? सलीम चिश्ती,
ऑप्शन बी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी हमीदुद्दीन नगोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट देखिए, वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी शाह आलम बुखारी, ऑप्शन डी मुइनुद्दीन चिश्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट देखिए, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है ऑप्शन ए दीन इलाही, ऑप्शन बी सूफी आंदोलन, ऑप्शन सी तोहीद ए इलाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूफी आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहागावर्दी, ऑप्शन सी नक्शबंदी, ऑप्शन डी कादिगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नक्शबंदी। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा सांगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन डी उपाली, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी अशोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए बिंबा, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी यशोधरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाप्रजापति। नेक्स्ट देखिए, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन डी माओ त्से तुंग को। राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट देखिए, जियो और जीने दो किसने कहा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन डी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी और अकबर। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर जाफर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन बी लॉर्ड डाफरिन के, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के, ऑप्शन डी लॉर्ड लिंटन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स कार्ट, ऑप्शन बी जॉन मार्शन, ऑप्शन सी विलियम जॉन्स, ऑप्शन डी मार्क्समैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स कार्ट। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बहुदेववाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी अनिश्वरवाद, ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। नेक्स्ट देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी औली कुतुब शाह, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी औली कुतुब शाह। इसके साथ देखिए, यहाँ पे आपका ये जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद अब हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और साथ ही मैंने इसके जो आंसर किया है वो भी इसमें ऐड कर दिया, और जो आपको ये पूरा पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।